हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है मिस्टर रामानंद परचेज ए प्लॉट क्यू आर यू टी टू बिल्ड हिज हाउस। ही लीव स्पेस फॉर ऑफ टू कंग्रेंट सेमी सर्कल फॉर गार्डनिंग। ये दो सेमी सर्कल है जिसको गार्डनिंग के लिए रख दिया। एट ए रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ ब्रेड 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर वाला ये ब्रेड कार पार्किंग के लिए। अब बताओ एरिया ऑफ स्क्वेयर पी क्यू आर एस, ठीक है, ये क्या है, स्क्वेयर है। कैसे करेंगे देखिए, गिवन गिवन क्या है हमें, पी क्यू आर एस इज ए स्क्वेयर, ठीक है, और साइड कितनी गिवन है, क्यू आर, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू क्यू आर या आर एस, कोई भी लगा लीजिए, कितनी गिवन है, 27 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वेयर होता है साइड स्क्वेयर, तो ये कितना हो जाएगा, 27 × 27, और 27 × 27 कितना होता है, 729, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको हो गया कैसे मल्टीप्लाई करके देखिए, वैसे 30 तक के स्क्वेयर्स 10th क्लास के स्टूडेंट्स को आने चाहिए, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वेयर इज 729, ठीक है, किसमें है, सेंटीमीटर में, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा सेकेंड पार्ट है, सेकेंड में क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेफ्ट फॉर कार पार्किंग, ये रहा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ कार पार्किंग क्या है, लेंथ ऑफ कार पार्किंग टी यू, कितनी गिवन है, 27 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ कार पार्किंग क्या है, ये टी पी, कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया, एरिया किसके कुल होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये होता है ना, और लेंथ कितनी है, 27 × 3, दैट इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ कार पार्किंग कितना आया, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, थर्ड है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज, ठीक है। अब देखिए देयर आर टू सेमी सर्कल, ठीक है, सम ऑफ डायमीटर्स ऑफ टू सेमी सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ प्लॉट, ठीक है ना, या कह सकते हो आप ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। ये जो सर्कल सेमी सर्कल है, डायमीटर एक डायमीटर दो, इन दो डायमीटर को अगर हम जोड़ दें तो वो साइड है, कितने इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, डायमीटर्स ऑफ टू सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है, 27, ठीक है। डायमीटर ऑफ वन सेमी सर्कल एंड रेडियस ऑफ वन सेमी सर्कल 27/4 सेंटीमीटर, हमारा रेडियस क्या आ जाएगा, 27/4 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये क्या आ गया हमारा, 27/4 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 πr², यानी 1/2 × 22/7 × 27/4 × 27/4, ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, 1/2 × 22/7 × 27/4 × 27/4, ये कट करके 11 आ गया,
तो ये कितना आ गया, कैलकुलेट कीजिए, 27 इंटू 27 हमने करा था 729, उसको 11 से कीजिए, क्या आ गया 8019। 8019 को 4 जा 16 और 16 7 जा 112, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8019 डिवाइडेड बाय 112 करते हैं, ठीक है। किस पे जाएगा ये 7 पे, 12 7 84 और 7, ठीक है स्टूडेंट्स। कितना बचा 719। अब ये किस पे जाएगा, एक पे ही जाएगा, सिक्स पॉइंट लगाया, जीरो आया। अब 6 पे जा रहा है, नहीं जा रहा, 5 पे जा रहा है, 110, ठीक है। तो ये आ गया 1100। अभी किस पे जा रहा है, 9 पे ट्राई करते हैं, 9 2 18, ठीक है। तो ये हमारा क्या आंसर आ गया, 71.59। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना है, कैलकुलेशन से नहीं घबराना है, सिंपल सा बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। 71.59 सेंटीमीटर, उसके जो ये यूनिट्स है इसका आपने जरूर ध्यान रखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये।